یه غم بود. I would now like to welcome the producer of this web series, Mrs. Phalguni Shah. A huge round of applause. A fantabulous director and award-winning cinematographer, the director of very successful series like Dance Bar, Singardhan, etc., Mr. Deepak Pandey. The Indian television superstar has won hearts by his fabulous acting skills in various hit TV shows and movies, Mr. Ijaz Khan. An Indian as well as an Indonesian star, very well known for his popular portrayal of character Salim in Jodha Akbar. Please welcome Mr. Ravi Bhatia. A huge round of applause. A fantabulous actress and a trained Kathak dancer. A very well-known actress from a very successful TV show, Mahabharata. Please welcome Shafak Naz. A trained Odissi dancer and known for her remarkable performance in Diya Aur Baati Hum. Please welcome Deepika Singh. A famous actor from the Bollywood screen, also popular for his skilled performances in popular TV shows, Mr. Yatin Karyakar. An Indian film and television actor and has featured in numerous Bollywood films, Mr. Prithvi Zitsi. Mike's. Vibhu sir, please tell us a little about our app. Thank you for coming, all media, Deepak ji, all actors of Alala Film, Alala Web Series, my producer, Phalguni ji, and all the guests. उल्लू के बारे में मुझे लगता है कि पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ मीडिया को, मैं फिर बताना चाहूँगा. उल्लू एक मेरा एक मैं हम लोगों ने एक ऐप स्टार्ट किया और ये सोच के स्टार्ट किया कि इसमें हम लोग एक वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स का एक नया एक प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे. बहुत से ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पाइपलाइंस में हैं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने, मैंने एक सोच 2015 में रखी कि बहुत से प्रोड्यूसर्स जो अपनी फिल्म्स को बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने भी 2012-13 में एक फ़िल्म बनाई थी तो उसको लेकर के मुझे काफ़ी चीज़ों को रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत आई. मुझे नहीं पता था कि आने वाला टाइम जो है डिजिटल का इतना ज़बरदस्त आ जाएगा और ये आने वाला फ्यूचर होगा. 2015 में मैंने अपना ये सोच करके रखा कि एक मैं क्यों ना यूट्यूब टाइप का एक चैनल बनाता हूँ जो डिजिटली होगा और इसको हम डिजिटली इसको हम सर्कुलेट करेंगे चीज़ों को, फीचर फिल्म्स को, क्योंकि मैंने शुरुआत फ़ीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म से सोच के करी थी. बट क्योंकि जब मैंने R&D करी इसमें तो मुझे मालूम चला कि वेब सीरीज़ एक नई चीज़ है जो लोग इसको देखते हैं. वेब सीरीज़ में भी लोगों ने आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटे के तरीके से इसको लॉन्च किया. तो मैंने ये सोचा कि लोगों पास कुछ कम वक्त होता है, क्योंकि अगर आदमी मोबाइल पे अगर 2 घंटा शाम को या कभी उसको टाइम मिलता है 2 घंटा 1 घंटा तो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें वो देखता है, जैसे मेल्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, अपने कुछ फ्रेंड्स के SMS वगैरह देखने हुए. तो 15 मिनट ही वो समय निकाल सकता है कि चलो एक सीरीज़ का एक पार्ट देख लें, अच्छा लगता है तो फिर वो 15 मिनट 10 मिनट का देखता है. तो मैंने ऑफकोर्स मैंने उसको भी 15 मिनट 20 मिनट पे ही कट करके डाला. तो इस तरीके की सोच और R&D को रखते हुए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के तारीख में कोई भी एप्लीकेशन जो भी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड रिलीज हैं बड़े बड़े, उनका जितना भी सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 500 to 1000 or 2000 rupees per annum है. मतलब अगर देखा जाए तो कुछ ऐप ऐसे हैं जिनका 500-700 रुपये पर मंथ भी है.
मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप मैं लॉन्च करूं जो जिसके अंदर छोटी जगह है, जैसे हम लोग क्योंकि महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र में लोगों को पता है नेटफ्लिक्स क्या है, अमेज़ॉन क्या है, बट मैं अपने शहर लखनऊ जाता हूँ, वहाँ लोगों से जब डिस्कस करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा भी कोई चीज़ होती है, अच्छा नेटफ्लिक्स क्या चीज़ है, उनको पता ही नहीं है, बिहार में नहीं पता बहुत से लोगों को, राजस्थान में लोगों को नहीं पता, हरियाणा में लोगों को नहीं पता, लोग जानते ही नहीं है कि एप्लीकेशन जैसी कोई चीज़ होती है, अच्छा इसमें पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, अच्छा वो पैसा तुम तक आता कैसे, अच्छा हम इसको देख कैसे सकते हैं, उनको पता ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव डोंट नो, मतलब वो मोबाइल से भी है ही नहीं। तो मैंने इसको 36 रुपये साल रखा, जिससे हर आदमी, वो ऐसा आदमी जो मेरा कुक, मेरा ड्राइवर या कोई भी ऐसा आदमी, उसको सब्सक्राइब इजिली कर सकता है और वो देख सकता है उसको अपनी चीज़ों को, क्योंकि आज के टाइम में 90% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और कुछ हमारे मोदी जी ने भी करवा दिए हैं अब तो लोगों के पास, जिनके पास नहीं भी है तो 90% अवेलेबिलिटी है। तो उसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्राइस को बहुत कम रखा, 36 रुपीज़ पर एनम, अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग एंड डाउनलोडिंग, जिसे हर आदमी जान सके, क्योंकि अभी तक केवल 20% लोग ही जानते हैं कि एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन टाइप की कोई चीज़ भी होती है, और जिसमें से सिर्फ 13% लोग हैं जो डाउनलोड करके उसमें पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद उसको देखते हैं। तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और जिनको नॉलेज है वो ड्यू टू इतना हैवी अमाउंट है वो नहीं देख देना चाहते। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में, मैं बीच में इंटरप्ट करूँगा, मिस्टर ललित जी आए हैं, प्लीज़ सर वेलकम, म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर ललित जी प्लीज वेलकम करिए। The chief guest of the evening, a very successful music director, Mr. Lalit Pandit. A huge round of applause, guys. Deepak Pandey ji, आप कुछ बोलना चाहेंगे हलाला के बारे में? Please बताइए हमें आपका experience. Good evening. हलाला के बारे में हमने सुना है, बट हम उसकी डिटेल के बारे में जानते नहीं है। जो हमने इस सीरीज में दिखाया, हलाला, जो भी मुस्लिम महिला इस हलाला के दौर से गुजरती है, वो मानसिक रूप से उसका जो टॉर्चर लेवल होता है, ऐसा होता है कि जिसको हम सोच नहीं सकते। उसका एक ऐसा अपमान होता है जिसकी हम कल्पना करें तो हमारे गूज़बम्प्स आते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा दर्द होता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ वो महिला जीती है जिसके साथ हलाला होता है। हलाला एक ऐसा रिचुअल है जो कहीं इस्लाम में है ही नहीं, और हमारे जो मुस्लिम गुरु हैं इन्होंने 1400 साल से इस प्रथा को लेते आ रहे हैं और चलती जा रही है। तो हमने हलाला को इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जिससे हमें हलाला के पीछे की क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हो रही हैं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या महिला को हम इस नज़रिए से देखना चाहिए हमें। तो जो कुप्रथा है हलाला की, ये बहुत ही पेनफुल है, और जिसको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी महिला को इस कस्टम में बंधना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। हमने जो भी देखा, जो भी लोगों से बात की, तो एक ऐसी परंपरा है जो बहुत असहनीय है, जो जिसके बारे में हम जितनी भी बातें कहें उतना कम है। एक ऐसा दर्द है जिसकी हम कल्पना करके सहम से जाते हैं। तो ये चीज़ हमने हलाला में दिखाने की कोशिश की है, और बाकी चीज़ें आपको दिखेंगी जब आप व्यू करेंगे, देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच दीपक जी। सो मैं अभी मिस्टर इजाज से पूछना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हलाला वेब सीरीज को लेकर। हेलो बच्चे, हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं विभू जी का, हमारे डायरेक्टर साहब का और प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वेब सीरीज़ के लिए कंसिडर किया। जब मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में सुना था सर से, हमारे डायरेक्टर सर से, तो इनफैक्ट मैं भी इसके बारे में अनएजुकेटेड था, आई डिडंट नो कि ये प्रथा चलती है। और इनफैक्ट 10 मिनट पहले मुझे रवि ने बताया कि ये तो बिज़नेस बन चुका है, कि एक शहर में ऐसी 5 भाइयों की फैमिली है जो इसे धंधे के तौर पे चलाती हैं,
जिनको ये हलाला करना होता है तो वो आके एक भाई से शादी कर लेती है और वापस चल जाती है. सो इट्स एज रिडिकुलस एज दैट. मेरे लिए एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एजुकेटेड इंडिविजुअल एंड एज अ मुस्लिम, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है. कुछ हो ना हो, पता नहीं हम कितने लोगों तक ये पहुंचा सकेंगे या नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन या एक डिस्कशन इसके बारे में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ. और आई थिंक इसके लिए तो ये फिल्म एप्ट है और ये फिल्म इसके लिए कामयाब ज़रूर है. Thank you very much. Thank you so much. Now I would like to invite Ms. Falguni Shah. Please tell us a little about the series. She is the producer of the web series. अच्छा एक स्टोरी हमारे पास आप करोगे? मैंने बोला बिल्कुल करूँगा. तो तीन दिन बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली एंड वन गो में मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी वन गो में. And I saw my son, you know, I had goosebumps like twice, thrice. I cried like thrice because of the story. This story is so like intriguing, like so much of intensity, so much of this is amazing. Like, मुझे पढ़ने के बाद लगा कि you know I'm lucky to be a part of it. So उसके बाद मेरे पास बहुत time था research करने के लिए because I wasn't doing anything. So I did a research कि हलाल होता क्या है, is it true or not? Then I search Google, YouTube, अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा. It's true. Like लखनऊ में एक family है, they run the halala centers. कि एक family में पांच भाई है बड़े, उन पांचों का business है, you know. So the जिनको हलाला करवाना है, मतलब जिनका तलाक हो चुका है, उनको जाके वहाँ पे हलाला करवाना. They go there, they choose one of them, and उनके साथ उनकी शादी होती है, दो दिन, चार दिन, एक महीना, जितना भी, जो भी time period. And they are getting paid for that, like 30,000, 50,000, you know, whatever the amount. So I was shocked. I news mein dekhe, jitne news ke cuttings the now, and Z News and Star News and everybody has. So I was like totally into it. Ki ye conviction hai. Matlab ye story true hai, and you know, sab cheeze sach ho rahi hai. So I'm lucky to be part of it, and I'm thankful to Deepak Pandey ji and Divya and the producer Vivo sir. So I'm lucky to be part of it. I'm working with such great actors like Ajay sir. मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मतलब मेरी फैमिली में सब लोग इनके फैंस हैं. So I'm lucky to be, you know, sharing some screen space with this guy. And thank you so much. Thank you so much, Ravi. Shafaq ji, आप कुछ बोलना चाहोगे हलाला को लेके? Okay, so हेलो एवरीवन. एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच फिल्म, सच सब्जेक्ट, जो यू नो एज अ वुमेन, एज एन एक्टर. आई थिंक हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को लेके बात कर सकते हैं. तो एज एन एक्टर ऑल्सो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर यू नो लोगों को एक नया एक जरिया दे सकें देखने का, उनको बता सकें. तो I'm really lucky to be a part of this film, and I'm really proud. I've seen the trailer. हमने बहुत मेहनत की है सब लोगों ने. It was a मतलब वो 15-20 दिन का जो schedule था वो मतलब मुझे करने के लिए इतना difficult होता था. मैं जब scene read करती थी ना तो मैं वो 15-20 दिन ना mentally मैं disturb हो चुकी थी वो पढ़ के और you know scene read करके, because वो करने के लिए इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो जाता है उसको यू नो देखकर ही. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो यू नो जो औरतें लड़कियां इस चीज़ से गुजरती हैं उनके साथ मतलब किस मेंटल स्टेट से वो लोग निकलते होंगे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ द वन थिंग विच आई फील इट्स नॉट लाइक राइट एट ऑल. ये फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक औरत का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप हिला देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो समथिंग जो कहीं है नहीं या जो इट्स रॉन्ग. दैट्स ऑल आई कैन से, इट्स रियली रॉन्ग. ये कहीं पे भी कैसे भी नहीं होना चाहिए. इस्लाम भी इसलिए है, रिलीजन इसलिए होता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान रख सको. इसलिए नहीं होता है कि आप खुद को टॉर्चर करो या सामने वाले इंसान को टॉर्चर करो. दैट्स वॉट आई बिलीव इन, कि रिलीजन टॉर्चर करने के लिए नहीं होता है. सो या
That's all. No, इससे ज्यादा नहीं बोलोगे. No, no, sir. I. मैं ये बोलना चाहूंगा कि दीपक सर जो है ना वो बेस्ट डायरेक्टर है. बेस्ट. ही हैज बीन अ फैबुलस डीओपी. सॉरी सॉरी. सो बट यू नो मुझे जो डायरेक्शन उन्होंने शुरू किया ही वाज सो गुड. सो लाइक यू नो जैसा कुछ हॉरिफाई वाला सीन है ना कि अगले सीन में आपको डरना है तो इस सीन से पहले हम डरा रहे थे. अच्छा सुनो. आप कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबडी एंड बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप सब यहाँ आए. आज हमारा जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आप सबने देखा और सबने सब कुछ ही कह दिया है. दे ऑल सेड लाइक सबने बहुत वेल सेड एवरीथिंग. तो मेरे पास अभी तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हलाला जैसी जो चीज़ है पहले भी लोगों ने ट्राई किया है इस पर शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज में. वेब सीरीज तो नहीं कोई भी सोच सकता. शॉर्ट फिल्म या इस कॉन्सेप्ट को थोड़े से तरीके से इसको लाने के लिए. मगर विभू जी का बहुत बड़ा मतलब मैं तो गर्व कहती हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर ये सब्जेक्ट आ पाया है. इससे पहले कई लोगों ने ट्राई किया है बट उनकी फिल्म आ नहीं पाई हैं बिकॉज उसके ऊपर इतना ज़्यादा ये चीज़ लाना इट्स वेरी वेरी टफ ये चीज़ को बोलना. बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को दबाना चाहते हैं और वो बाहर नहीं आना देना चाहते. बट आज मुझे एक्चुअली जब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि कौन सा ऐप है ये सच में आएगा इस पर. आई वॉज सो अनश्योर कि ये चीज़ एक्चुअली बाहर आ पाएगी बिकॉज मैं इसके बारे में कई सालों से पढ़ रही थी. मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे मैं उनकी लाइफ देखकर और मुझे ऐसा लगा था कि क्यों नहीं आ पा रहा. तो मैंने कई बार कई बार जाना कि नहीं मतलब कुछ लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बाहर आने देना ही नहीं चाहते हैं. तो जब मुझे पता चला मैं आज सच में मुझे लगता है कि विभू जी और फाल्गुनी जी जो है और नीरज जी इस चीज को मतलब इनके लिए एक्चुअली हम सबको क्लैप करना चाहिए क्योंकि ये चीज बाहर आना ही जो उन्होंने गर्व दिखाया ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो और जिस तरह से नीरज सर ने इसको पोर्ट्रे किया है मतलब दिस इज कमेंडेबल. जब मैं आज मैंने ट्रेलर देखा मुझे घूस बन जाए. मैंने सोचा मैंने इसको पढ़ी कई बार पढ़ी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बेहतरीन जो एग्जैक्ट उसका जो मतलब है ना वो उन्होंने दिखाया है उस ट्रेलर के अंदर. और आई एम श्योर कि आप जब वेब सीरीज देखेंगे तो आपको जो उसका कंटेंट है जो उसकी जो सेंसिटिविटी है इस टॉपिक की वो आप तक आपकी रूह तक पहुँचेगी. जब मैं इसको परफॉर्म कर रही थी आई एम वेरी थैंकफुल टू नीरज सर एंड दिव्या. दिव्या एक्चुअली शी इज अ क्रिएटिव और उसने मुझे कॉल किया था और मैं फिर फाल्गुनी मैम से मेरी ऑफिस में जाकर मुझे काफी बड़े आया इन लोगों पर. मुझे ऐसा लगा यू नो आफ्टर दियर दादी हम दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट हो मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि यू नो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो और मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी कि जो मेरे फैंस जैसे मुझे देखना चाहते हैं उसमें एक्चुअली वो मुझे उस रूप में ही यू नो एक वुमेन के ऊपर बात करते हुए देखेंगे. और एक अच्छा टॉपिक है जो सेंसिटिव है. एज एन एक्टर मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं ऐसा समझती हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करें इस तरह से जो चीजें हैं जो दबी हुई उनको बाहर लेकर आए और शायद उसे अगर एक इंसान की भी लाइफ अगर चेंज हो जाती है तो मेरे हिसाब से हमारा काम हो गया. अगर एक इंसान भी अगर तलाक बोलने से पहले डर जाए या उसको समझ में आ जाए ना ऐसे तीन बार तलाक बोलने से तलाक हो नहीं जाता है तो मुझे लगता है कि हम फिर हमारा जो काम है वो हो गया. और ये चीज आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म दिस वेब सीरीज. सो आई एम रियली थैंकफुल. और शफाक के लिए मुझे एक्चुअली आज जो मैंने ट्रेलर देखा मैं जानती थी बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. तो एज एन एक्टर इट्स सो टफ ये रोल करने के लिए और मैं जिस तरह से मैंने काबिल तारीफ परफॉर्मेंस की है लिटरली मेरे गूज़बम्प्स आ गए. मुझे मेरी आईज टियर हो गई कि मतलब किस लेवल पर इस लड़की ने परफॉर्म किया. इतना इंटेंस करना इज नॉट एन ईजी. एज ए लॉयर मैंने इस फिल्म में काम किया है और जब मैं वो कर रही थी तो मुझे यही लगा था यू नो
कैसे जाएगा सब कुछ. मुझे खुद को, मैं तो सिर्फ उसकी स्टोरी थ्रू अपने मतलब बताने की कोशिश कर रही थी. मुझे इतना टफ लगा था एज अ परफॉर्मर, तो मुझे समझ में आया कि वो किस तरीके से किस स्टेट ऑफ माइंड तक रहेंगे. और डायरेक्टर सर, नीरज सर, बिकॉज डायरेक्टर को तो सब आता, दीपक सर, सॉरी पांडे जी, सॉरी सर, मेरी गलती है, मैंने सर का नाम गलती है. द डायरेक्टर ऑफ द सीरीज इज दीपक पांडे. तो सर ने जब मतलब सर के दिमाग में सारे एक्टर्स चल रहे हैं और जिस स्टेट ऑफ माइंड से हर जो एक्टर है वो परफॉर्म उस लेवल का करेगी, यू नो, कि किसी का भी काम कम ना हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब दिया बाती में तो मैंने बहुत मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले, और उसके बाद जब दूसरे डायरेक्टर भी मिले वो भी इतने बढ़िया मिले, तो मैंने मतलब मुझे जब मैं घर आई तो मैं सेटिस्फैक्ट्री घर आती थी और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ काम करके. थैंक यू. थैंक यू दीपिका जी. यतिन जी प्लीज थोड़ा कुछ शब्द शेयर कीजिए हमारे साथ. चलो, थैंक यू, थैंक यू. सुनो सुनो, मंगा सुन ले.